भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस बार भाजपा का स्थापना दिवस समारोह कई मायनों में बेहद खास है। वजह है, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 37 वर्षों बाद इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता पर कब्जा किया है। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सुबह 9 बजे ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमे सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के विश्लेषकों के लिए कौतूहल का विषय है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी सरकार ने दिया है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समर्पण और देशभक्ति का भाव किसी दूसरे दल में देखने को नहीं मिलेगा। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उदात्त लोकतांत्रिक व राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सदैव आबाद्य विश्व के विशालतम राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी प्रतिबद्ध एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं।